टॉपिक शुरू करने से पहले वॉइस में आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम क्लास है हमारी वो डिजिटल मार्केटिंग क्लास है और उसमें हम फेसबुक के बूस्ट करने का तरीका सीखेंगे कि कैसे करते हैं हम लोग। तो आइए चले देखते हैं। यह हमारी पोस्ट है फेसबुक की, मेरे क्लाइंट की, जो फूड से रिलेटेड है। और जो हम लोग लगाएंगे ऐड वो बिरयानी वगैरह का हम लोग लगाएंगे ऐड। तो यहाँ पर आप, मैंने बूस्ट पे क्लिक किया है। बूस्ट पे क्लिक करने के बाद मेरे पास जो ऑप्शन आया वो ये आया है। अब यहाँ पर आने के बाद ये आपसे एज पूछेगा और आपकी कैटेगरी पूछेगा। कैटेगरी यानी कि आप कौन सी कैटेगरी के हैं, फूड्स, कुकिंग वगैरह में फूड्स आते हैं। तो फिर वो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, फिर अपने रेट, अपना बजट सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम एरिया सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम बूस्ट करेंगे। तो अभी हम लाइन से यही देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर कैसी कैसी सेटिंग करनी पड़ती है। सही है। तो हमने ये देखा है कि बटन कौन सा है हमारे पास। व्हाट्सएप का बटन मैंने क्लिक किया है कि डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कोई भी करे तो कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप पे करे। सही है। तो और नीचे आ जाएंगे तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। अरे, कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐसी भी हैं जो आप जिसको यूज़ यानी जिसको आप क्लिक नहीं करेंगे, और उसके क्लिक करने से ये कि आपकी जो कैंपेन है वो ख़राब हो सकती है। तो ज़्यादा ध्यान से पूरी वीडियो देखकर उसके बाद आप अपने पोस्ट को बूस्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर आप डॉलर के हिसाब से भी रेट कर सकते हैं और पाकिस्तानी रेट के हिसाब से भी, लेकिन डॉलर के हिसाब से अगर आप रेट करेंगे तो फिर आपका बजट कम होगा। तो आप यहाँ नीचे आ जाएं। नीचे आने के बाद आप यहाँ पर इस बटन को अगर क्लिक नहीं कीजिएगा, इस बटन को ऑफ ही रखें क्योंकि ये कैंपेन से हट जाता है फिर बाद में। तो मैं यहाँ पर आपको जो जो चीज़ें मना करूँगा आप वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं यूज़ कीजिएगा। सही है। उसके अलावा जो जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ, यहाँ पर कीवर्ड यूज़ होते हैं तो कीवर्ड डालना भी मैं आपको सिखाऊँगा कि कैसे कीवर्ड आप यूज़ करके अपनी कैंपेन को अच्छा कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपकी लोकेशन, जो आपकी पेज की लोकेशन जो लेता है तो उसने ये सेव किया हुआ है। उससे आगे 10 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर की ये रेंज मांग रहा है। तो यहाँ पर मेरा एक ऑप्शन खुल गया है। यहाँ पर वो एरिया मांग रहा है कि आप कौन से एरिया पे ऐड को चलाएंगे। तो मैंने कराची सेलेक्ट किया हुआ है और कराची के अंदर भी कौन सा एरिया है जहाँ पर आप ये ऐड यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने पूरे कराची पे चलाना है। अगर कराची के अंदर नॉर्थ नज़माबाद या कहीं और जगहें होती तो उस पर भी मैं यही लोकेशन डालता। अभी मैं ब्राउज़र पे क्लिक करके यहाँ पर मैं कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा कि मेरी कौन सी कैटेगरी है। मेरी कुकिंग की, रेस्टोरेंट की, शॉप की कैटेगरी है। तो मैं यहाँ पर वो कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा। कैटेगरी सेलेक्ट करके फिर मैं यहाँ पर कीवर्ड यूज़ करूँगा, जो से मेरे कैंपेन से रिलेटेड कीवर्ड हैं मैं वो यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं अपनी कैंपेन से रिलेटेड कीवर्ड यूज़ करूँगा, जैसे फूड्स लिखूँगा या मटन बिरयानी या मटन राइस लिखूँगा, और चिकन मंडी ऐसे लिखूँगा मैं यहाँ पर, क्योंकि ये इसी तरह से रिलेटेड मेरे क्लाइंट की पेज है और मेरे क्लाइंट की पोस्ट है इससे रिलेटेड ही। तो मैं यहाँ पर वो कीवर्ड यूज़ करूँगा जो एड से रिलेटेड हो, उसकी शॉप से रिलेटेड हो। तो आप वहाँ पर ये कीवर्ड यूज़ करके यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे बहुत सारे जो आपके कीवर्ड से रिलेटेड होगा, आप बस उसी को सेलेक्ट कीजिएगा, वरना तो आपका ये ऐड ख़राब हो सकता है और ये आपकी कैंपेन ख़राब हो सकती है, आपके पैसे वेस्ट होंगे और ये कैंपेन आपको कोई फ़ायदा नहीं देगी। तो मैं यहाँ पर
कैटेगरी सिलेक्ट कर रहा हूँ और अलग अलग कीवर्ड डाल के जो कीवर्ड है उसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर। तो जैसे चिकन मंडी और चिकन चिकन यानी कि मटर, इस तरह की मेरे क्लाइंट की ऑप्शन है। एक एक करके यहाँ पर सारी कीवर्ड सेव करूँगा, जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी एक नोटपैड पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ मुख्तलिफ कीवर्ड। अगर आप कीवर्ड यूज़ यानी सर्चिंग ना हो रहे हो तो आप उसमें से कुछ भी करके जो कीवर्ड मेन कीवर्ड है उसको क्लिक करके आप कीवर्ड फिर उसके बाद सर्च हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बहुत से कीवर्ड यूज़ किए लेकिन वो नीचे ऑप्शन नहीं आ रहा। जब मैंने मेन कीवर्ड सर्च किया तो फिर बहुत सारे ऑप्शन दिखा रही है, सिर्फ एक ही कीवर्ड यूज़ करें, यानी दो नाम हैं तो दो नाम में ये बहुत ही कम आपको कीवर्ड देगा। जैसे कि मटन हांडी, तो मटन अलग है, हांडी अलग है। तो इस तरह के कीवर्ड आप सिर्फ एक ही कीवर्ड डालें तो वो आपको सही ऑप्शन देगा। नीचे बिरयानी, देखें बिरयानी का ऑप्शन है तो बिरयानी क्लिक करें। और भी बहुत से कीवर्ड हैं। कीवर्ड से एक अलग से भी वेबसाइट होती है, कीवर्ड डॉट ओ आई के नाम से है। तो ये भी सर्चिंग है, आप यहाँ से यूट्यूब की भी सर्चिंग कर सकते हैं कीवर्ड, गूगल की भी हर तरह की सर्चिंग होती है यहाँ पर। तो और कीवर्ड प्लानर भी है, वो भी आप उससे देख सकते हैं कि पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें हैं या पाकिस्तान से बाहर कौन कौन सी चीज़ें सर्च होती हैं आपके बिजनेस के हवाले से। तो यहाँ पर आप जितने भी कीवर्ड डाल सकते हैं वो बेस्ट है। और आप कीवर्ड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें क्योंकि कीवर्ड ही आपकी कैंपेन को अच्छा करेंगे। और आगे बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आपके कैंपेन को अच्छा करेंगे। और अब हम लोग जो है लोकेशन इसमें डालेंगे, मुख्तलिफ लोकेशन जो इस एरिया पे हम लोगों को इस एड को दिखाना है। तो उसके बाद हम इसके रेट सेट करेंगे। रेट सेट करने के बाद फिर अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डालेंगे और उसके डिटेल्स देंगे। उसकी डिटेल करने के बाद जैसे अप्रूव करेंगे तो हमारे कार्ड से डिटेक्ट हो जाएंगे पैसे। और अच्छा, जो कार्ड से डिटेक्ट होंगे वो पैसे, वो जितने दिन कैंपेन चलती आती है उतने दिन के डिटेक्ट होते रहते हैं, एक साथ नहीं होते। तो आप यहाँ देखें जो मैं लोकेशन इसको भेज रहा हूँ, लोकेशन जो इसको मैं दे रहा हूँ, तो उसी के नीचे जो है सिलेक्ट करने का बोल रहा है ये लोकेशन। सही है, यहाँ एक एक करते करते मैं अपनी लोकेशन सेट करता जाऊँगा जहाँ जहाँ मैंने ऐड दिखाना है। और हाँ, हमारे जो कीवर्ड्स थे वो मैंने आगे कीवर्ड्स यूज़ किए हैं वो सेफ किए, बल्कि हमें बाहर कीवर्ड उसे सेव करने, तो वो भी देख लीजिएगा कि वो कीवर्ड कैसे सेव करने और लोकेशन कैसे डालनी है। इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये बहुत इजी है, आप कर सकते हैं इसे आसानी से। भाई ये कि कैंपेन में कोई ऐसी गलत चीज़ ना कीजिएगा, कोई ऐसा गलत कीवर्ड ना यूज़ कीजिएगा जिसकी वजह से आपकी कैंपेन कहीं और यूज़ हो रही हो, कहीं और जा रही हो, तो वो आपके लिए फ़ायदेदार नहीं होगी लेकिन नुकसान होगा उससे आपका। तो यहाँ पर लोकेशन देने के बाद मैं दोबारा कीवर्ड पे जाऊँगा। अभी मैं ये मॉडल कॉलोनी, गुलशन इकबाल और नॉटनट बाबा की तरफ का ये इलाका सेलेक्ट करूँगा मैं। सही है। और
जो सर्चिंग कर रहा हूँ वो मेरे सारे प्लान के कैंपेन के हवाले से हैं, उसके हवाले से, कैंपेन के हवाले से मैंने हर चीज़ कीवर्ड को सेव किया हुआ है, कहिए, और सारे कीवर्ड सेव हुए हैं उनकी कैंपेन के हवाले से। जो जो कीवर्ड आप हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो मैंने ऑलरेडी नोट पैड पर लिखे हुए हैं, सही। उसके बाद ही मैं ये इसमें कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो आपको इन तीनों में से, चारों में से क्लिक आपको सेकंड नंबर वाले को क्लिक करना है या फर्स्ट नंबर वाले को, सही। तो मैंने फर्स्ट वाले को क्लिक किया हुआ है, मैं थर्ड फर्स्ट वाले को ही क्लिक करके रखता हूँ मैं। और यहाँ देखेंगे ये सेटिंग है फर्स्ट वाले, ये फर्स्ट वाले को ही क्लिक करके मैंने रखा हुआ है। अपना दूसरे, तीसरे, चौथे को क्लिक नहीं कीजिएगा, फर्स्ट को क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने लोकेशन डाली थी लेकिन लोकेशन से नीचे कराची की आ रही है, तो मैं एक दफ़ा और ट्राई करके डालता देखता हूँ, क्योंकि कराची आप एक कीवर्ड ही यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एक कीवर्ड यूज़ कर लें, जैसे कराची मॉडल टाउन बाबराबाद जो भी अच्छी एरिया है आप उसी को सिलेक्ट कर लें, या ऑल कराची में दिखा सकते हैं तो ऑल कराची में दिखाएं, ये पूरे पाकिस्तान में आ रहे हैं साइड पर दिखाना तो पूरे पाकिस्तान में भी दिखा सकते हैं, बाहर के मुल्कों में भी दिखा सकते हैं, बाहर के मुल्क वाले यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, जो ऑनलाइन परचेजिंग होती है बाहर से वो भी ऐड लगाते हैं और उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है इससे। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके आगे चलता हूँ, जिससे अब देखिए मैंने बोला था ना आपको कीवर्ड मेरे सेफ नहीं हुए, तो मैं कीवर्ड दोबारा सेव कर रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ पर दोबारा यूज़ कर रहा हूँ कीवर्ड, वही कीवर्ड दोबारा यहाँ पर सेव करूँगा, ठीक। क्योंकि हम लोगों ने ब्राउज़र पे क्लिक किया था, हमें ब्राउज़र पे क्लिक उस सूरत में करना चाहिए जिस सूरत में हमें कोई अपने फूड से रिलेटेड कोई कीवर्ड ना मिल रहा हो। तो मैंने ब्राउज़र पे क्लिक किया था सबसे पहले, जो ब्राउज़र के अंदर हम लोगों ने सेटिंग रखी, तो जब एग्जिट कर रहे थे, क्लोज़ कर रहे थे, तब भी ये सेव का ऑप्शन दे रहा था, मैंने सेव किया था लेकिन सेव नहीं हुआ। तो ये बाहर ही आप कीवर्ड यूज़ कीजिएगा, ब्राउज़र पे उस जाइएगा तो उससे पता चल जाता है कि क्या क्या कीवर्ड्स हैं, तो बेस्ट यही है। और यहाँ पर वो वाला कीवर्ड मैं डालता रहूँगा जो मैंने अंदर ऑलरेडी पहले से सर्च किए थे आपके सामने। तो हम देखा जाए तो हम लोगों ने डबल काम किया है, तो डबल काम करने से ये कि प्रैक्टिस तो हो गई है और दूसरी बात ये कि समझ में भी आ गई है। तो नेक्स्ट टाइम आप ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे और सिर्फ सर्च करेंगे कि इस तरह की कीवर्ड है, आप चाहे तो उसी वक्त उसको कॉपी कर लें, सही है। कॉपी करने के बाद एक नोट पैड पर लिख लें और फिर एक एक करते करते उस कीवर्ड को यहाँ पर यूज़ करें, सही है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको डबल डबल लिखने की मेहनत नहीं होगी, आपको जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे और काम हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैंने तीन कीवर्ड यूज़ किए। जब अंदर ब्राउज़र में गया था मैं तो मैंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ किए थे, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ तीन कीवर्ड यूज़ किए हैं। अभी थोड़ी देर में ही सेव करके मैं इसे एडिट करूँगा और फिर मैं अपना कार्ड नंबर डालूँगा, कार्ड नंबर के बाद फिर इस ऐड को रन कर दूँगा। रन करने के बाद इसकी जो आगे की प्रोसेसिंग है एक दिन बाद की, उसकी भी वीडियो मैंने उसके आगे लगाई हुई है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा कि कैंपेन कैसी रही आगे चल के, कितने क्लिक्स आए, कितने इंप्रेशन आए और कितने व्यूज़ आए, और ओरिजिनल और डायरेक्ट बहुत सारी डिटेल हैं। आप सिर्फ ये कैंपिंग लगा के छोड़ना नहीं होता, कैंपिंग के बाद फिर लगाने के बाद आपको देखनी भी होती रिपोर्टें क्या चल रहा है कैंपिंग में,
और मेरे क्लाइंट ने बोला था कि आप दिन बढ़ा दें ताकि डेली बुकिंग कम हो, तो मैंने डेली बुकिंग कम रखी और डेट आगे कर दिए। तो उसको हमें देखते हैं कि हमें क्या रिस्पांस देता है, और जो मेरे ख्याल से रिस्पांस दिया वो अच्छा ही दिया है, सही है। मैंने छः कीवर्ड यूज़ किए अभी फिलहाल, और कॉपी पेस्ट करके मैं कह रहा हूँ कीवर्ड यूज, क्योंकि अभी कीवर्ड मैं यूज़ ना करूँ तो ये कैंपेन सही तरह से रन नहीं होगी। ये जिसको फ़ायदा देने वाली जो कैंपेन है, जिसको नीड होगी बिरयानी की, ये उसको नहीं दिखाएगा, कहीं और दिखाएगा, फिर ये मेरे लिए भी वेस्ट है, ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें तो सिर्फ फ़ायदा जो हमें फ़ायदे के लिए जो हमें यूज़ कर रहे हैं वो यही यूज़ कर रहे हैं कि हमारा बिजनेस बढ़ेगा, और क्लाइंट की सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए, और सर्विसेज अच्छी होगी, प्रोडक्ट अच्छा होगा, तो ऑफिशली वो सेल करेंगे, तो सेल ज़्यादा बिकता तो जिसे सही प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर बात होती है। तो ये प्रोडक्ट और सर्विस दोनों मेन चीज़ है। और यहाँ पर मैं बस इतने ही कीवर्ड यूज़ करने वाला हूँ, और नहीं करूँगा इसमें कीवर्ड और यूज़, सही है। यहाँ से सेव करेंगे और फिर चले जाएंगे बाहर, फिर वहाँ पर मैं कार्ड डालूँगा अपना, कार्ड डालने के बाद फिर ये बूस्ट कंप्लीट हो जाएगा। इससे आगे फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि उस ऐड पर कितने क्लिक्स आए, उस ऐड पर क्या इंप्रेशन पड़ा, उस ऐड से क्या फ़ायदा हुआ। तो मैं आपको बस ये सेव करके यहाँ पर नाम देख लेता हूँ जिस नाम से उन्होंने कैंपेन चलानी है, वो नाम लिख करके इसको मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद फिर मैं कार्ड नंबर डालकर ओके डन कर दूँगा। तो आपने जो चीज़ें देखी हैं गौर से देखें आप इसको, ओके कौन कौन से सेटिंग में मैं गया हूँ, या तो आप अगर एक दफ़ा देखने के बाद जब आप दोबारा बूस्ट कर रहे हो तो ये वीडियो फिर दोबारा देख लें, तो उससे ही तो फ़ायदा रहेगा। जो जो मैंने क्लिक्स जो जो कीवर्ड मैंने यूज़ किए आप देखें, आप फूड के रिलेटेड कीवर्ड यूज़ कर रहे हो तो उसी से रिलेटेड कीजिएगा, जैसे बिरयानी पुलाव, या आपके पास कुछ चिकन टिक्का या कोई रेस्टोरेंट है तो उस तरह के कीवर्ड यूज़ कीजिएगा। जो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ ये मैं ऐसे यूज़ कर रहा हूँ कि जिनको नीड होती है घर पर तो वो ऑर्डर करते हैं, तो उनके लिए ये कीवर्ड यूज़ हो रहा है, तो वो ऑर्डर देते हैं बिरयानी का और पुलाव का, तो उसमें ये चीज़ें मैं तो यहाँ से सेव कर लेता हूँ। मैं ये सेव करने के बाद मैंने सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर सेलेक्ट कर ली, सारे कीवर्ड यूज़ किए, इसको लोकेशन भी दे दी, तो बस नाम लिखना बाकी है, नाम लिख कर मैं फिर सेव करता हूँ इसे। सेव करने के बाद मैं कार्ड नंबर डालूँगा, सही है। तो आपके पास जो है वो कार्ड वीज़ा कार्ड होना चाहिए, यानी कि इंटरनेट बैंकिंग वाला कार्ड होना चाहिए। अगर इंटरनेट बैंकिंग वाला कार्ड नहीं होगा तो ये कोई आम कार्ड जो है वो फेसबुक और ना ही गूगल ना ही जो एक्सेप्ट करता है, ये लोग वीज़ा वाला कार्ड एक्सेप्ट करते हैं जो हाँ। तो स्किल्स बैंक का भी वीज़ा कार्ड है, HBL का भी है, बहुत सारी बैंकें हैं जहाँ पर ये कार्ड अवेलेबल होते हैं, क्रेडिट कार्ड। आपको फिर इसकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है कि आपके कितने महीने की क्या इनकम है, और फिर उसके बाद आपको पूरी डिटेल देनी पड़ती है बैंक वाले को, तो उसके बाद ही अकाउंट आपका खुलता है। तो मेरे पास जो है वो क्रेडिट कार्ड है जिसके ज़रिए मैं फेसबुक को बोल जो है वो पे करूँगा, फेसबुक को पे करूँगा। अच्छा, मैंने 45
$42 का ऐड लगाया है 15 दिन के लिए, ठीक है। $42 का मैंने ऐड लगाया 15 दिन के लिए। ये आपको बताएगा कि आपके कितने पर डे व्यूज़ आएंगे, तो ये कितने बढ़ के और मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बताएगा। ये उससे बीच में भी हो सकता है, उससे बढ़ भी सकता है, लेकिन मैक्सिमम से ऊपर नहीं बढ़ेगा। तो जहाँ पर मैंने दोबारा सर्च किया तो दोबारा नाम आया यहाँ पर, मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके फिर कैंपेन को मैं डन करता हूँ। देखिए कार्ड से पेमेंट आप ऐसे किसी भी को भी नहीं कीजिएगा, कोई दूसरी वेबसाइट हो उनको नहीं कीजिएगा, क्योंकि मसला ये होता है कार्ड से पेमेंट जो होती है वो एक तो है जो वेबसाइट होती है वो होती हैं कुछ लोकल, लोकल से मुराद वो यानी कि धोखा देने वाली वेबसाइट होती है। आप उसमें के लिए हर किस कर लेंगे उसमें कीजिएगा, वरना आपके पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। और अगर आप कोई ट्रस्ट वाली वेबसाइट पे यूज़ कर रहे हैं तो पहले उसकी पूरी इंफॉर्मेशन ले लें, उसके बाद फिर वो यूज़ कीजिएगा, वरना तो आपका नुकसान हो सकता। मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। ये देखें आपको वो कोने भी बता रहा है कि ये कितना आपको ट्रैफिक देगा। तो मैंने अपनी रेट सेलेक्ट नहीं किया, रेट में सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर भी आपको पैसे बताएगा। मैं यहाँ पर डेट सेलेक्ट करता हूँ, सही डेट सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आपको मैं 7000 का रेट सेलेक्ट कर रहा हूँ जो डॉलर में कन्वर्ट होगा। तो हम यहाँ पर रेट सेलेक्ट करेंगे, रेट सेलेक्ट करने के बाद हम ये भी देखेंगे हम कौन से रेट पर फेसबुक को पे करेंगे। हम पाकिस्तानी रेट पर कर सकते हैं या डॉलर पर। मेरी एडवाइस है कि आप पाकिस्तानी डॉलर से नहीं बल्कि बाहर के डॉलर से आप करें, पाकिस्तानी पैसों से भी करें। तो यहाँ पर मैं पाकिस्तान और यूएसए डॉलर के ऊपर यूएसए और कंट्री के ऊपर पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा, सही है। तो ये ऑप्शन जो है ये ऊपर पॉकेट के बिल्कुल बराबर पे गोल सा निशान है, उस पर उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। और ये ऑप्शन के बाद फिर आप ये इसको पैसे बताएंगे कि भाई डॉलर में करना है, तो ये आपको डॉलर में पैसे दिखाएगा और रोज़ाना के हिसाब से डॉलर में पैसे काटेगा भी। कही तो ओके करेंगे हम, ओके करने के बाद फिर हम देखेंगे कि कितना ट्रैफिक हमें मिल रहा है। तो मैंने इसको एडिट करके $42 को करूँगा, ओके। तो $42 में हमें क्या मिल रहा है हम देखते हैं। हमें 4.4K से लेकर 12.7K तक तो ट्रैफिक मिल गया। अभी मैं उसको डेट सेलेक्ट करूँगा कि कितने दिन का हमने ऐड चलाना है। तो यहाँ पर मैं 7 दिन का 19 तक के जितने दिन का भी आपने सेलेक्ट करना है तो आपको बता देगा। यहाँ पर 3.6K 10.3K तक के रोजाना का ट्रैफिक मिलेगा आपको। तो अगर आपको दिन कम करना है या ज़्यादा करना है वो आपके ऊपर है, कभी भी आप इस कैंपिंग पे एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद आप दिन बढ़ा भी सकते हैं, दिन कम भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये अगर आपने दिन कम कर लिया तो आपको रोज़ाना का ट्रैफिक ये कम दिखाएगा, अगर आपने दिन ज़्यादा कर लिया तो ये रोज़ाना का ट्रैफिक ज़्यादा दिखाएगा। तो लाजमी इस बटन के ऊपर क्लिक नहीं कीजिएगा बस। और रेट मैंने सेट कर लिया। अब मेरी जो बारी है वो सिर्फ कार्ड की है और एक प्रोफाइल ऊपर से नीचे मैं देख लूँ कोई चीज़ है तो मिल गई। यहाँ पर सारी चीज़ें ओके हैं, मैं सभी कार्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ, पेमेंट मोड के ऊपर, और यहाँ कार्ड नंबर लिख कर पेमेंट हमने लिख लिया, सिर्फ कार्ड नंबर लिख कर पे करेंगे।
हमने देखा ये तो कार्ड नंबर मैं यहाँ पर लिखती हूँ, यहाँ पर कार्ड नंबर लिखती हूँ कार्ड ओके कर कार्ड नंबर में सिर्फ शो नहीं कर सकते यहाँ पर यहाँ पर एक वेट मैं यहाँ से आगे बढ़ूँगा। यहाँ पर आगे करने के बाद मैंने कार्ड नंबर डाल दिया अपने से क्लिक कर लिया। यहाँ पर मैंने बूस्ट पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट ऐड सबमिट कर दिया है। तो मैंने सबमिट किया तो ऐड लिखा हुआ है और ये हमारा ऐड लग गया है। हमारा ऐड स्टार्ट हो गया। अभी आपको पता कैसे चलेगा, आप ये हमारे प्रोफाइल पे आप अपनी जाएंगे, आप पेज पे जाएंगे अपने और वहाँ पर पोस्ट के नीचे देखेंगे कि रेटिंग चल रही होगी इंप्रेशन की क्लिक्स की। यहाँ पर वो यहाँ पर एड सेंटर पे मैं गया हूँ, यह यहाँ पर आपको पूरी डिटेल दिखाएगा कि क्या से क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ पर कितना इंप्रेशन पड़ता है, कितने लोग आ रहे हैं और कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं आपके पास, और आपके मैसेजेस वगैरह सब चीज़ें। आपको जो बटन आपने क्लिक किया है व्हाट्सएप सेंड मैसेज पर, तो वहाँ पर भी कर सकते हैं, आपके फेसबुक पेज पर भी मैसेज कर सकते हैं, तो ये दोनों जगह पर मैसेज कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपको पूरी की आपके अपनी कैंपेन की पूरी डिटेल यहाँ पर आपको देगा। आप फिर अपनी जो रिपोर्ट है क्लाइंट की, जो रिपोर्ट है वो क्लाइंट को सेंड करेंगे। तो मैं आपको आगे के भी मनाजिर दिखाता हूँ कि ऐड लगने के बाद कैसे इंप्रेशन पड़ता है और ऐड लगने के बाद से क्या क्या चीज़ें सामने आती। तो यहाँ पर देखें कि अभी कुछ भी इंप्रेशन कुछ भी क्लिक नहीं हुआ हमारे पास। तो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या ऐड की क्या इंप्रेशन पड़ा है हमारे पास। अभी तो हम व्यू ऐड पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास कोई डॉलर यहाँ पर नहीं कटा और कोई हमारे पास ट्रैफिक नहीं आया। सही है। तो मैं आपको इसके जो ऐड का जो है पूरी डिटेल दिखाता हूँ कि ऐड कैसे हमारे पास 84 के हमारे पास क्या रिजल्ट आया ऐड का। सही। आप व्यू ऐड करेंगे तो ये आपको व्यू ऐड में दिखाएगा। सही। और एडिट ऐड करेंगे तो एडिट ऐड में फिर आपको एडिट का ऑप्शन दिखाएगा। तो व्यू का ऐड देखने के जो हमने पोस्ट डाली है वही पोस्ट आपको व्यू करेगा। यहाँ पर आप कभी भी अपनी डेट चेंज कर सकते हैं, डेज चेंज कर सकते हैं। मैंने अवल तो मैंने डेज चेंज किए हैं इसके अंदर और बुकेट को हमने अपनी डेली बुकेट को कम किया है और डेली रेट मैंने चेंज किए हैं। सही। तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल यहाँ पर देगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी जिस जिस की आप कोई आपके पे ऐड को क्लिक करता है या व्यू करता है आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। उस नोटिफिकेशन से भी आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा और मैसेजेस भी आएंगे, नोटिफिकेशन भी आएंगी और आपको पूरा एक डेट जो है गूगल आपको अपडेट करता रहेगा। सही। तो मैं ऐड का व्यू दिखा देता हूँ आपको, ये ऐड का व्यू कैसे आप देखते हैं और ऐड जब चलता है उसके बाद वो कैसे परफॉर्म करने के बाद आपको शो करवाता है। ठीक। तो मेरे जो नेक्स्ट डे है वो ऐड जो वीडियो मैंने नेक्स्ट डे बनाई है तो वही मैंने वीडियो अभी इससे आगे मैं आपको दिखाऊंगा। सही। और जो हमने कैंपेन चलाई है अल्लाह का शुक्र अभी तो बहुत बेहतरीन चल रही है, आगे चल के हम इससे और ज़्यादा बेहतरीन कर सकते हैं अपनी एफर्ट से। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर इंप्रेशन देखें और यहाँ पर क्लिक्स देखें हमारे पास कितने हैं।
आपको पता चल जाएगा यहाँ पर कि हमारे पास क्लिक्स का इंप्रेशन कितना है। तो आप खुद ऐड को देखें जो मैंने ऐड चलाया है, उसके बाद की ये वीडियो है देखें 5077 और हमारे पास अभी इतने डॉलर कटे और इतना ट्रैफिक हमारे पास आया है, सही है। और देख सकते हैं आप, वो हर दिन पे ट्रैफिक दिखा रहा है आपको, पूरी डिटेल टोटल अमाउंट दिखा रहा है वो कि टोटल अमाउंट कितने कटे अभी तक, सही है। आपको एक एक करते हुए सारी चीज़ें यहाँ पर आपको शो करवाएगा, पूरी डिटेल आपको देगा, आपको पूरा एनालाइज बताएगा। तो यहाँ पर डिलीट ऑप्शन, गो टू द एड सेंटर, आपको हर चीज़ बताएगा। आप एड सेंटर पे जब आएंगे तो यहाँ पर भी आपको इंप्रेशन क्लिक वगैरह बताएगा कि क्या इंप्रेशन है, क्या क्लिक्स हैं। देखें क्लिक्स कितने हैं, 33 पोस्ट इंप्रेशन, पीपल कितने, पीपल को कितने पीपल ने वॉच किया है, ये भी आपको शो करवा रहा है यहाँ पर, सही है। अभी इसके बाद जो मैं ट्रैफिक अपना ये हमारे पास आया है, लेकिन अभी इसके बाद मैं डेट चेंज करूँगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि आप डेट कैसे चेंज कर सकते हैं या ऐड लगने के बाद उसको दोबारा एडिट कैसे कर सकते हैं। तो आपके सामने व्यू का ऑप्शन दिया था और एडिट का ऑप्शन दिया था, आप उसी एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके वो ऐड सेटिंग दे देगा आपको। तो यहाँ पर हमारे पास ए टू जेड चीज़ें मौजूद हैं, सही है। और ये आपको पूरा ए टू जेड बता रहे हैं कि आप इसमें क्या क्या चेंजिंग कर सकते हैं और क्या क्या आपके रिजल्ट हैं ऐड के। आप यहाँ ऐड सेंटर पे जाके क्लिक करेंगे तो आपको पूरी ये इंफॉर्मेशन दे देगा, सही है। या तो अपने पेज पर ही चले जाएं, उसके नीचे ही आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन दिखा रहा होगा। तो यहाँ पर ये बता रहे कि वन डे पे कितना बुकेट कट रहा है, सही है। जैसे यहाँ पर एडिट करूँगा, एडिट करने के बाद यहाँ पर मैं डेट चेंज करूँगा, तो जैसे डेट चेंज करूँगा तो वहाँ पर जो 13.7K लिखा हुआ है वो एकदम से चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएंगे व्यूज जो है, व्यूज हमारे डेली के कम हो जाएंगे और ऐड की जो दिन है वो हमारे पास बढ़ जाएंगे। जब भी आप ऐड के दिन बढ़ाओगे वो आपको पेमेंट कम नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैंने 27 सितंबर तक के मैंने रख लिया ऐड, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। इतने में हमें ये 3.5K दे रहा है, हमें और बढ़ाना है, हमें और बढ़ाया तो अभी 3.6K बता रहा है, 10.4K बता रहा है डेली ट्रैफिक का, सही। तो अगर आप इसको और आगे करना चाहते तो और आगे कर लें, वरना तो सेव कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर सेव का बटन दबा दिया, ये सेव हो जाएगा। सही, यहाँ पर जब डेट सेलेक्ट करिए, डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको $42 जो है वो कटता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, $42 आप कटते रहेंगे आहिस्ता। और आप यहाँ पर डेट बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन फर्क ये होगा कि आपके जो पैसे हैं वो डेली के कम कटेंगे और आपको फिर डेली का ट्रैफिक भी कम मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने ये कुछ ऐप जो चीज़ें हैं वो सेटिंग कर ली हैं, मैं सिर्फ सेव पे क्लिक करूँगा। और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और मेरे चैनल है यूट्यूब का टेक्निकल मेंटेन, उसको भी सब्सक्राइब करें। तो बहुत सारी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, एनिमेशन, डिजिटल मार्केटिंग, आप अपने कार्ड को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, क्या अगर आपको कोई और कार्ड यूज़ करना है तो वो भी चेंज कर सकते हैं। ए टू जेड यहाँ पर आप देखें, सेविंग
सॉफ्टवेयर चेंज हुए, तो जो मैंने चेंज किया से जो मैंने चीज़ें चेंज की हैं वो सेफ हो रही हैं, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरी आईडी आरिफ मजीद के नाम से आरिफ मजीद 81 सर्च करेंगे, या मेरे डिजिटल मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग डिजिटल मार्केटिंग लिखेंगे तो मेरा पेज आ जाएगा ऊपर ऊपर, और आप वहाँ से भी मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ देखें ऐड का इंप्रेशन सामने से ऐसा नज़र आएगा आपको, कि ऐड का इंप्रेशन ऐसे सामने से नज़र आएगा, और आप अगर बूस्ट किया हुआ है तो आपने ये सारी चीज़ें डिटेल नीचे आ रही होंगी, और बूस्ट अगेन लिखा हुआ होगा, आपको डेली और इंप्रेशन और रीच आपको सब बताएगा ये। ओके, थैंक यू।